जिला कांग्रेस कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनावों और पिछले विधानसभा चुनावों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। समन्वय बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर के द्वारा की गई। बैठक के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के द्वारा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को मिली हार को लेकर गहन चिंतन मनन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। वह लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक एवं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची ने सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को सब कुछ भूलकर लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा और आरएसएस पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अयोध्या में हिंदू सिद्धांतों और चारों शंकराचार्यों के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी हमारे भी आराध्य हैं। अयोध्या जाने पर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगाई है, लेकिन क्योंकि यह कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस कार्यक्रम है, जिसके चलते राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से इनकार किया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ठाकुर, डॉक्टर रघुवीर सिंह डांगी, युवा कांग्रेस नेता राजीव गुजराती, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नईम नवाब, गुलाबबाई ठाकुर, निशांत वर्मा, पंकज शर्मा, माखन सोलंकी, विष्णु विश्वकर्मा, भगत सिंह तोमर, जयंत साहा, केके रिछारिया, रेहान नवाब, सुख सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्तागण मौजूद रहे। में ये राजगढ़ भोपाल लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक के रूप में मुझे AICC ने काम दिया है यहाँ, और सारे संगठन के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों और हमारे जमीनी स्तर तक के संगठन में समन्वय जमाने का काम मुझे करना है। और अभी मैंने सभी साथियों से सुझाव लिए, सभी से चर्चा करी और आगे की रूपरेखा आज तय करी है। आगामी समय में हम सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अहमदपुर, दोराहा और सीहोर में अलग अलग बैठक करें और जो संगठन को आगामी चुनाव के लिए तैयार करें। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि कल अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ सीट नेतृत्व है उसने कहा है कि निमंत्रण नहीं मिला लेकिन जाने से इनकार कर दिया, क्या होगा? ये बात राहुल गांधी जी ने अपनी नागालैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सागर्भित शब्दों में बात रखी है। मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था जिससे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा का भी हम कोई विरोध नहीं कर रहे, समारोह हो, पर जो हमारा संत समाज निर्मोही अखाड़ा है, रामानंदी संप्रदाय और हमारे चारों शंकराचार्य, इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए और उनसे बिना राय दिए इस प्रकार से ये कार्य का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस हेतु हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी की कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है कि वहाँ जाने से किसी को रोका गया है, कि मंदिर में दर्शन करने से किसी को रोका गया है, या कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप में अगर आयोजित स्थानीय स्तर पर हो रहा है तो हर कांग्रेसी स्वतंत्र है उसमें अपनी भूमिका और भागीदारी निभाने की। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।